वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र यूपी बोर्ड एनसीईआरटी है तो उनके लिए हम लेके आए हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। 2022 में आने वाले क्वेश्चन देखो, जो भी छात्र बायो से हैं, याद रखना आप जो छात्र बायो से हैं उनके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए 2022 में, जो आपका 4 तारीख को शायद पेपर होने वाला है। ठीक है, 4 तारीख को आपको पेपर होने वाला है बायो वालों का, इंटर वालों का। क्लास 12 की बात करने वाला हूँ। अब इसमें आप बहुत ज्यादा परेशान है कि हम क्या क्या क्वेश्चन पढ़ें। यूपी बोर्ड वाले हो, एनसीईआरटी जितने भी हैं आप याद रखना, एनसीईआरटी बोर्ड वाले की बात करो, चाहे वो बिहार से हो, एमपी से हो, ठीक है, राजस्थान से हो, तो बिहार यदि आपका एनसीईआरटी बोर्ड है तो आप क्लियर, वहां से कोई बाहर नहीं जाएगा, याद रखिए। अब यहाँ देखो, आपको ये तो पता होगा, यहाँ सिंपल दे रखा है इकाई एक जो जनन है, यहाँ से 14 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 14 नंबर से पूछा जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 14 नंबर के बनेंगे, ये हमसे बोल रहे हैं। अब देखो ये 30% सिलेबस, न्यू सिलेबस 2022 की बात कर रहा हूँ, न्यू सिलेबस के आधार पर 14 नंबर का बनेगा। अब 14 नंबर का बनेगा तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? अब देखो मैंने केवल इतने से क्वेश्चन दिए, इसमें इतने से क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो 14 नंबर आपको प्राप्त मिलेंगे, यहाँ से 14 नंबर आपको प्राप्त करने वाले, पता है कैसे? बाकी कुछ सब कुछ छोड़ देना जो बता रहा हूँ, बस इतना याद रखना, बस यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, कम टाइम है, बस इतना पढ़ो। देखो आपको ये देखना है नर और मादा के जो कह सकते हैं युग्म, जो युग्मको होते हैं उनका विकास कैसे होता है, आप ये देख, ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखना है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, नर और मादा का युग्मद्वत का विकास कैसे होता है ये देखेंगे। और देखो बीज का विकास कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है, आप इसको पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लेंगे ना तो बना बना के दिखाओगे। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपको 90% लाना है ना तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, 4 दिन में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा पेपर। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन याद करना है युग्म जनन किसे कहते हैं, ठीक है। अब निषेचन फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं आप ये पढ़ेंगे। अब आपको पता होगा एक होता है अनिषेचन फलन, क्या होता है अनिषेचन फलन को, यहाँ देखो आसंग जनता भी बोला जाता है या अपेक्षमसिस बोला जाता है, और बहुविड़ता के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है बहुविड़ता शॉर्ट में पूछेगा, अनिषेचन फलन क्या होता है आप ये देखेंगे, आसंग जनता जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और देखो ये निषेचन होता है, ये जो निषेचन देखो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है प्लांटों में, मतलब कि पौधों में होता है, और जो निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है एक्चुअली एनिमल में, ठीक है, एनिमल जैसे मैन वुमेन मान लो, तो ये चीजें जैसे कि नर और मादा के जनन तंत्रों के बारे में देख लेना है, जनन अंग कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में, आप जनन तंत्र कैसा होता है वो तो। और देखो यहाँ बोला गया है संक्राणु जनन किसे कहते हैं, संक्राणु जनन के बारे में और अंडाणु जनन, और साथ ही साथ आप देखेंगे मानसिक चक्र, ठीक है, जो साइकिल होता है उस बारे में, ठीक है, पीरियड वगैरह जो होते हैं महिलाओं के लिए उसके बारे में प्रोसेस करेंगे कि 28 दिन बाद आपको होता है वो चीज आप देखें, ठीक है। उसके बाद में अब आपसे कभी कभी यहाँ से रोग पूछ लेता है, जैसे कि आप मान लीजिए अब महिला पुरुष में समूह हुआ, मतलब कि सेक्स हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि उसपे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उन रोगों की रोकथाम कैसे करेंगे, जैसे कि आप देखो यौन संचारित रोगों का रोकथाम, जैसे कि यौन संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे कि एड्स हो जाता है, तो उनसे आप कैसे रोकथाम करेंगे, और परिवार जो नियोजन होता है, परिवार नियोजन जानते हैं उसके बारे में, और गर्भ निरोध क्या होता है, गर्भ निरोध के बारे में आप पढ़ेंगे, गर्भ निरोधक गोलियां कैसे होता है। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी बनता है कि जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो उसमें आप कैसे रोकथाम करेंगे, ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट के ऊपर एक निबंध आता है, छोटा सा टाइप आता है, और ये आपसे लॉन्ग में पूछ लेते हैं, आप जनसंख्या विस्फोट के बारे में जरूर पढ़ लेना कि जनसंख्या को नियंत्रण आप कैसे करेंगे, तो वो चीज यहाँ आपको देखो परिवार नियोजन में आ जाता है, पूरा फंस जाएगा। उसके बाद में यूनिट नंबर इकाई नंबर 2 की बात करेंगे, ये 18 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 18 नंबर आपको यहाँ से पूछा जाएगा, तो कौन कौन से पढ़ेंगे देख लीजिए, आपको बस इतना क्वेश्चन पढ़ना है बाकी कुछ नहीं देख रहा। देखो इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, देखो मेंडल की अनुवंशिकता के नियम, मेंडल के जो नियम थे 3 नियम, उस नियम को पढ़ लेना, जैसे अपूर्णता का नियम था, सहप्रभावता का नियम था, उन प्रभावताओं के नियम को पढ़ेंगे, ठीक है। और रुधिर वर्ग जानते हो, जैसे कि रुधिर वर्ग AB AB OB, ये रुधिर वर्ग को बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रोमोसोम जानते हो, क्रोमोसोम जैसे गुणसूत्र कहते हैं, तो वंशागति का गुणसूत्र का सिद्धांत था, उस सिद्धांत को पढ़ेंगे। क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन क्या होता है, मतलब गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और लिंग सहलंग, जो लिंग सहलंग लक्षण होते हैं, वंशागति लक्षण, उनके बारे में आप देखेंगे, लिंग सहलंग जो वंशागति के लक्षण होते हैं उसके बारे में। अब लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है आप ये देखेंगे, लिंग निर्धारण। अब देखो कुछ रोग हो जाते हैं लिंग सहलंग, मतलब कुछ एक हार्मोन जैसे वर्धनता रोग हो जाता है, वर्धनता है, हीमोफीलिया होता है, ये क्या होते हैं, एक ये कहता है अनुवंशिक रोग कहलाते हैं, तो वर्धनता के बारे में पढ़ लेना, हीमोफीलिया के बारे में, और डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ लेना। ये 3 दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं देने वाला, ठीक है, फालतू चीजें नहीं दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही दे रहा, जो पेपर में आपसे पूछेगा देख लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देख लूंगा यही मिलेंगे। उसके बाद में अनुवंशिक पदार्थों की खोज, जिसे अनुवंशिक पदार्थ डीएनए बोला जाता है, अब डीएनए की खोज किसने की,
आपको बताना है, ठीक है। और कैसे हुई अनुवंशिक पदार्थ, वो क्यों है डीएनए अनुवंशिक पदार्थ क्यों माना जाता है, ये आपसे पूछेगा। उसके बाद में डीएनए आरएनए में अंतर देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अनुलेखन किसे कहते हैं, अनुलेखन की परिभाषा आप याद कर लेना है। उसके बाद में आता है अनुवंशिक कूट, अनुवंशिक कूट बोलते हैं जेनेटिक कोड बोला जाता है, अनुवंशिक कोड को जेनेटिक कोड बोला जाता है इसको। और जीनो, देखो जीमोन प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, जीमोन प्रोजेक्ट के बारे में परिभाषा, और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको पढ़ेंगे। और इस ये वाला अनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, इसको आपको सिद्ध करिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट के अंतर्गत रखा जाता है। अब इकाई नंबर पांच तीन में चले जाइए, तीन हमारा जो है वो 14 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखो रोगजनक, मतलब रोगजनक का मतलब है मान लीजिए कोई परजीवी है, कोई परजीवी से रोग पैदा हुआ मनुष्य, जैसे कह रहा है यहाँ देखो रोगजनक का मतलब यहाँ से देख लो कि मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, जैसे कि मलेरिया जो रोग है, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है, और इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, और एड्स हो गया, तो ये परजीवी के कारण होने वाले रोग होते हैं, वायरसों के कारण होने वाले रोग होते हैं। तो ये कैसे इन कौन से बैक्टीरिया कारण होते हैं, आप उसके ऊपर एक निबंध लिखने का था कि मलेरिया को निबंध लिखिए, तो कौन सी दवाई खानी चाहिए, ये क्या है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, डेंगू आ जाए तो कैसा, टाइफाइड होता है, जुकाम होता है तो किस कारण होता है, ये तीन चार बीमारियां हैं, इनके बारे में आप याद कर लेना बस, और एड्स के बारे में आप ध्यान से कर लेना। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, मतलब मानव के कल्याण में कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जो बहुत भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जैसे कि दूध से दही बनाने के लिए है ना, तो जो बैक्टीरिया काम करता है तो वो चीज हमें देखना होता है। वहीं घरेलू, देखो यहाँ वो कह रहा है घरेलू उत्पाद, घरेलू खाद उत्पादन में जैसे कि दूध है और दूध से क्या बनाना है, दही बनाना है, तो बैक्टीरिया काम करता है, तो वो क्या होगा, ये घरेलू खाद उत्पादन में, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन में, जैव नियंत्रण में, ये कुछ कुछ होते हैं जो परजीवी होते हैं, उनके बारे में हमसे पूछ लेता है, तो आप उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा। उसके बाद इकाई नंबर चार में जाइए, इसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 10 नंबर के। आप इसमें इकाई नंबर चार में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे देखो जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, आप ये पढ़ लीजिए जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, बस यही पढ़ लेना कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, बस इतना पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो बहुत देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बोलते हैं पुनर्योजन डीएनए, ठीक है, डीएनए तकनीकी, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसे अनुवंशिक इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में छपेगा आपके, याद रखना। उसके बाद में है जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, मानव इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, मानव इंसुलिन के बारे में, जैव सुरक्षा क्या होती है आप इसको पढ़ेंगे, टीवी जो आपको कह सकते हैं इसको छोड़ दीजिएगा, समस्याओं को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बस इतना पढ़ना है। अब पांचवी इकाई में पहुंच जाइएगा, पारिस्थितिकी मतलब कि इकोसिस्टम और पर्यावरण के बारे में आपको देखना है, ये 14 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ने लायक है, वो आपको बता रहा हूं, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये देखेंगे, परिजीविता किसे कहते हैं, परिजीविता की परिभाषा के बारे में देखेंगे, पारिस्थितिकी जो होता है पारिस्थितिकी अनुकूलन जिसे कहते हैं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तो जानते होंगे आप, इको, ठीक है, इकोसिस्टम, इको जो सिस्टम होता है, इकोसिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे, परिस्थिति क्या होता है, अनुकूलन, जन्मदर और मृत्यु दर के बारे में परिभाषा याद करेंगे, जन्मदर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे जैव विभिन्नता संकल्पना क्या होती है, कह सकते हैं जैव विविधता की संकल्पना, मतलब कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता बोला जाता है, उसकी संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। हॉट स्पॉट आप पढ़ेंगे, हॉट स्पॉट पर टिप्पणी आती है, संकट ग्रस्त जीव कौन कौन से हैं, जैसे कि जो मरने वाले हैं उनकी बहुत मरने की कगार पे है, तो वो जी संकट ग्रस्त जीव के बारे में पढ़ेंगे। लुप्तीय जीव के बारे में पूछ लेता है कि विलुप्त जो का बिल्कुल खत्म हो गए, जैसे डायनासोर वगैरह है, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ लेना, और देखो बायो स्फेरियर रिजर्व है उसके बारे में पढ़ेंगे, और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ना है। ये था 2022 में आने वाले क्वेश्चन, बस इस पे पढ़ लेना टॉपिक, ये जो मैंने आपको बताया है इनको ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना बायो के अंदर, बस यहीं से मिलेगा 90% आप प्लस लेके आओगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, इतने क्वेश्चन पढ़ लो, ज्यादा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ती है, चार दिन है, बड़े आराम से आप अच्छे नंबर से पास हो गए, मुझे पता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे कि पेपर हैकर पर आप पढ़िए, क्योंकि देखो मैंने आपको जो हाई स्कूल इंटर वालों को जो बताए थे वही क्वेश्चन अभी पेपर में आए हैं, आपको पता होगा। और आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लो, चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय दोस्तों। और प्ले लिस्ट में दे रखा है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, आप जाके प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं।